हेलो फ्रेंड्स, राज टेक टॉक के इस न्यू वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक पावरफुल एम्पलीफायर के बारे में जो 600 वाट का है। तो दोस्तों, मैं इसकी आज अनबॉक्सिंग करने वाला था, पर इसकी वेट कुछ ज़्यादा है, इसलिए मैं अनबॉक्सिंग नहीं कर पाया। तो मैं आपको इसकी रिव्यूज़ दूँगा। वीडियो को शुरू से एंड तक वॉच कीजिए। तो जैसे आप देख रहे होंगे, ये वॉल्यूम का बटन है इसका, सॉरी वॉल्यूम का ये लेंथ दी गई है। यहाँ से आप वॉल्यूम डाउन अप कर सकते हैं, और साथ में इसके बेस का भी है, और ये मीड का है, और इसके साथ ट्रेबल का है। तो इसे आप बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं, और साथ में ये स्विच दी गई है हॉर्न और स्पीकर के लिए। इसको आप अंदर की तरफ पुश करते हैं तो आपका हॉर्न ऑन हो जाता है, और अप करते हैं तो ये आपका स्पीकर ऑन हो जाता है। ये 600 वाट का पावरफुल बूस्टर एम्पलीफायर है। इसके साथ में ये इसका पावर बटन है, और ऊपर है पावर की लाइट, और बीच में एक लाइट है, नीचे ओवरलोड की लाइट है। बात करें इसकी चेसी की, तो चेसी आप जैसे देख रहे होंगे काफ़ी बढ़िया तरीके से दी गई है, और काफ़ी हैवी चेसी भी है इसका, काफ़ी बढ़िया चेसी है। आप देख रहे होंगे जैसे कि काफ़ी बढ़िया अच्छा क्वालिटी का ये। और बैक साइड में देख लेते हैं, हम इसके बैक साइड में आ गए। बैक साइड में ये बीच में एक फ़ैन दी गई है, जिससे ये अगर हीट होता है तो इसको ठंडा करने के लिए। और इसी साथ में एक रीसेट बटन है, यहाँ पे आप देख रहे होंगे रीसेट बटन है। और नीचे ये अर्थिंग की ये स्विच, एक हुक है जिसके अंदर आप तार लगा के अर्थिंग पास कर सकते हैं। इसके साथ ये वायर लपटी हुई है, इसको हम खोल लेते हैं। तो वायर को साइड रख के ऐसे कुछ फीचर्स देख लेते हैं। सामने है लाइन इन का ऑप्शन और लाइन आउट का ऑप्शन। नीचे हॉर्न की आउटपुट है कॉमन 2-4 ओम्स, और इसी के नीचे है स्पीकर का कॉमन 70 और 100। अगर आप सिंगल टॉप यूज़ करते हैं तो कॉमन 70 पे लगा के आप चला सकते हैं, और डबल टॉप यूज़ करते हैं तो उसके लिए आपको इस पे 100 पे और कॉमन पे लगाना होगा। और ये हॉर्न के लिए है, इसको यहाँ से घुमा के आप इसे लूज़ कर सकते हैं। लूज़ करने के बाद इसके अंदर वायर यहाँ पे आप लपेट के उसको टाइट करके फिर आप चला सकते हैं। इसके साथ ये पत्ती भी दी गई है, पर इसका यूज़ पता नहीं क्या है। और इसके साथ ये काफ़ी अच्छा इसका ब्रैकेट दी गई है, इसे आप खड़ी कर सकते हैं बैक साइड में। इसे मुझे एक चीज़ बढ़िया लगा, जैसे कि आप देख रहे हैं अब फैन दिया हुआ है, ये आपका गर्म नहीं होगा, आप कितना भी यूज़ कर लें ये साथ साथ ठंडा होता रहता है। अब इसकी दूसरी साइड में देख लेते हैं क्या है। दूसरी साइड में देख लेंगे, दूसरी साइड में तो कुछ भी नहीं है। ये चेसी काफ़ी बढ़िया तरीके से दी गई है, बस यही है। और इसको हम अब सिंपली चला के देखते हैं। ये सामने मैंने वायर तो जोड़ लिया है, इस कनेक्शन हो गया है, अब सिंपली हम इसको ऑन करेंगे और फिर इसमें लाइन दे के इसको चलाएँगे। ये ऑन हो गया है दोस्तों, और आपको आवाज़ आ रही होगी फ़ैन चलने की। इसका फ़ैन चालू हो गया है, देख रहे होंगे किस तरीके से आवाज़ आ रही है, फ़ैन चल रहा है इसका, काफ़ी अच्छी तरीके से चल रहा है। इसमें आप म्यूजिक प्ले करके देखते हैं, म्यूजिक ऑन हो गया है, वॉल्यूम को धीरे धीरे तेज करेंगे तो आपने देखा वॉइस क्वालिटी कितना अच्छा है इसका। आवाज़ चेक कर लेते हैं, इसका बेस ऑन कर लेते हैं, बेस फुल है, साथ में इसका मीड है। जैसे आपने देखा होगा मीड ऑन करते ही किस तरीके से आवाज़ चेंज हो गया इसका, और इसका ट्रेबल है आवाज़ पतला करने के लिए। दोस्तों, जैसे आपने देखा इसे किस तरीके से यूज़ करते हैं, और वॉइस क्वालिटी भी कितना बढ़िया है, आप इसे आराम से 2 टॉप चला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में इस वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।